लोग जो हैं यहाँ पर आए हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बेसिकली जो आज का जो इशू चल रहा है, जिस तरह से लोगों को परेशान किया जा रहा है, पहले स्मार्ट मीटर के नाम पर और फिर प्रीपेड मीटर के नाम पर, हम इसका पुरजोर तरीके के साथ विरोध करते हैं और गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि पहले तो इंक्वायर किया जाए कि क्या डिजिटल मीटर जो हैं वो गलत थे, स्मार्ट मीटर जो हैं वो गलत हैं, अब प्रीपेड मीटर लगाने की ज़रूरत जो है वो गवर्नमेंट को क्यों पड़ रही है, जबकि हमारा जो ट्रांसमिशन लॉसेस हैं जम्मू के वो 31% है। जो हमारे ईमानदार जम्मू के लोग हैं, कंज्यूमर हैं, जिस तरह से वो टाइमली अपने बिल पे कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उन लोगों को परेशान किया जा रहा है, ये चीज़ जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सबसे पहले तो मैं जरूर कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि अगर डिजिटल मीटर में कोई खामी थी तो उन लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उन पे फिक्स की गई है, जिन लोगों ने डिजिटल मीटर जो है यहाँ पर लाए। और अगर स्मार्ट मीटर अगर लगाने की ज़रूरत है और उसमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो सकती, तो वो पोल पे लगाने की क्या ज़रूरत है? उनको जिस तरह से पहले घरों के अंदर लगते थे और कंज्यूमर जो है वो उसको चेक कर सकता था कि आज की डेट में मेरी रीडिंग क्या है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी मैं यूज़ कर रहा हूँ और कितनी इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है वो मुझे पे करना है। आज की डेट में जिस तरह से पोल के ऊपर मीटर लगाए जा रहे हैं, जिसको ना कोई रीड कर सकता है ना किसी की एक्सेस है, अगर किसी को पोल के ऊपर चढ़ना है तो पहले उनको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी बिजली डिपार्टमेंट को कि आप बिजली जो है उसका कट लगाइए। अभी पिछले दिनों में आप देखिए कितने लोग जो हैं इस स्मार्ट मीटर को लगाते लगाते भगवान के घर में चले गए। ये बड़ा दुख विषय है, इसके ऊपर जरूर इंक्वायरी होनी चाहिए कि क्यों इस तरह की जो नौबत है बार बार आ रही है। और अगर लोगों को ये लग रहा है कि जो आज जो स्मार्ट मीटर हैं उसके बिल जो हैं वो लोगों को क्यों ज़्यादा आ रहे हैं, मैं गवर्नमेंट से डिमांड करना चाहता हूँ कि इसके ऊपर कोई ना कोई इंक्वायरी जो है वो रखी जाए। कि क्या वो जरूर ये बात कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से। एक बात जो है वो मैं और कहना चाहता हूँ, मैंने बहुत बार गवर्नमेंट को ये बात लिखी है कि एक एमनेस्टी स्कीम जो है, जो हमारे कमर्शियल जो अदारे हैं उनके लिए एक एमनेस्टी स्कीम जो है वो गवर्नमेंट लेकर के आए। देखिए दफा 370 और 35 ये हटने के बाद जिस तरह से यहाँ पर बंद रहे गवर्नमेंट के थ्रू, अभी की लोगों ने दफा 370 और 35A को हटने के बाद लोगों ने खुशियाँ मनाई और हम उन सब खुशियों में उनके शामिल हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि उस दौर में जिस तरह से लोगों ने लॉसेस लिए और उसके बाद जो COVID-19 में जिस तरह से बंद रहे और गवर्नमेंट के कहने पर लोगों ने बंद रखे, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि वन टाइम एक एमनेस्टी जो है वो गवर्नमेंट जो है कमर्शियल अदारों के लिए दे, ताकि लोग अपने बिल पे कर सके और फर्दर किसी तरह की भी कर्टेलमेंट जो है वो नहीं रहनी चाहिए। अनशेड्यूल्ड कट जो हैं वो रेगुलर बेस पे हैं, वो आपके सामने हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो स्मार्ट मीटर का एक इशू जिससे पूरा जम्मू डिवीज़न जो है वो परेशान है, उसको इमिजिएटली स्टॉप करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि लोग जो हैं वो घरों से बाहर निकल जाएं, उससे पहले ही इसके ऊपर पूरी कार्रवाई और मैं कहता हूँ एक इंक्वायरी जो है वो बैठनी चाहिए। धन्यवाद। सर आप इंक्वायरी की बात कर रहे हैं, लेकिन आपने ये बोला कि प्रीपेड जो मौजूदा जबरन लगाए जा रहे हैं उसको आप सही मानते हैं या पुरानी व्यवस्था जो थी उसको आप सही मानते हैं? देखिए जो अगर पुरानी व्यवस्था में कोई कमी है तो पहले तो लोगों को वो बतानी चाहिए थी। अगर डिजिटल पहले जो मीटर थे अगर उसमें कोई परेशानी थी कि हाँ जी ये मीटर जो है
ये इसमें जो कैलकुलेशन बनती है उसके हिसाब से वो कुछ किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट की जा सकती है। लेकिन उसके बाद डिजिटल मीटर जो हैं लगने के बाद गवर्नमेंट को ये महसूस हुआ, लोगों को भी महसूस हुआ कि हमें एज पर जो बिल है हमारा रेगुलर में जो हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी उसके मुताबिक हमें बिल पे करना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि डिजिटल मीटर जो हैं उसके बाद स्मार्ट मीटर पे आने की जरूरत थी। लेकिन अगर आए हैं तो कम से कम ये तो इंक्वायरी हो कि डिजिटल मीटर जो हैं जो गवर्नमेंट ने लाए थे, लोगों ने नहीं लाए थे, और उसमें अगर कोई परेशानी थी जो जो आज स्मार्ट मीटर जो हैं वो लग रहे हैं। देखिए हमारी नेबरिंग जो स्टेट है यहाँ पर लोगों को मुफ्त बिजली दी जा रही है, हम मुफ्त बिजली के हक में नहीं है, हम नहीं मांग रहे उनसे, लेकिन एटलीस्ट जो बिलिंग है वो तो प्रॉपर होनी चाहिए और लोगों को एक्सेस होनी चाहिए अपने मीटर के ऊपर। ये खंभों के ऊपर पोल के ऊपर मीटर लगाने का क्या मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ जो है मीटर रीडर ही पढ़ सकते हैं, जो लोग कंज्यूम कर रहे हैं वो नहीं पढ़ सकते। तो मेरा ये मानना है कि इसके ऊपर गवर्नमेंट को अपना स्टेटमेंट देना चाहिए और कोई ना कोई इंक्वायरी जो है इसके ऊपर। हमारे नियरी पंजाब स्टेट है जो पिछले लगभग 15-20 साल से प्राइवेट बिजली है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे भी फ्रीवे सिस्टम अभी तक शुरू नहीं किया गया, लेकिन हमारी स्टेट में ये फ्रीवे सिस्टम जबरन लगाया जा रहा है। बिल्कुल गलत है, मैं तो ये पहले ही कह रहा हूँ कि ये जो फंडामेंटल राइट है, ये लोगों का इलेक्ट्रिसिटी और वाटर, ये फंडामेंटल राइट है लोगों का, ये लोगों को मिलना चाहिए, गवर्नमेंट के थ्रू मिलना चाहिए। हाँ लोग पे कर रहे हैं, पहले भी पे करते थे, मैं मीटिंग में जाकर के मैंने कहा अगर 69% जो है लोग पे कर रहे हैं तो जितना आप बर्डन डाल रहे हो, जितना आप एक्सेस ले रहे हो वो उन्हीं 69% पे ले रहे हो, जो 31% हैं उनके ऊपर फोकस करिए और ताकि ट्रांसमिशन लॉसेज जो है वो कम हो सके। सर स्मार्ट मीटर की बात की जाए तो जम्मू में 90% तक स्मार्ट मीटर लग चुके हैं, अब बात आती है प्रीपेड मीटर की, इसे रोक देना चाहिए या जिस तरह से आप कह रहे हैं कि पहले इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त लोग यही डिमांड कर रहे हैं कि जो प्रीपेड मीटर है ये नहीं लगने चाहिए। बिल्कुल नहीं लगना चाहिए प्रीपेड मीटर जो है, हम इनके बिल्कुल विरोध में हैं। और ये जो है ये मैं यही कहूंगा बार बार कि जो फंडामेंटल राइट है उस पर अटैक है, ये प्रीपेड मीटर जो है ये फंडामेंटल राइट जो है लोगों का ये उसके ऊपर अटैक है। जो स्मार्ट मीटर की जो बात आप कर रहे हैं मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि भाई क्या प्रॉब्लम है डिजिटल मीटर जिन जो उस समय भी लोग कंज्यूमर पे कर रहे थे उनके बिल जो है वो प्रॉपर जो है वो पे किए जा रहे थे, आज स्मार्ट मीटर आने के बाद बिल जो है ऑटोमेटिकली कैसे वो डबल हो रहे हैं, इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए और गवर्नमेंट को अपना स्टेटमेंट जो है इसके ऊपर जरूर देना चाहिए। चैंबर ऑफ कॉमर्स के लिए क्या करने वाला है, बड़ी बात यही है आप इंक्वायरी की बात करें लेकिन चैंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से देखिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है हमने इसीलिए रखी है कि अगर ये चीजें जो है ये कंटिन्यू रही तो हमारे जो सभी जितने भी बाजार एसोसिएशन हैं उनके साथ मिल करके उनके साथ बैठ करके अगला कार्यक्रम जो है वो मुझे लगता है कि आज की डेट में पूरा जम्मू शहर जो है इसके विरोध में है, और जब जम्मू शहर विरोध में है तो चैंबर उसके साथ है सभी के साथ, और चैंबर आने वाले दिनों में जिस तरह का ये विरोध जो है वो बढ़ता जा रहा है उस पे कोई ना कोई एक्शन होगा। कुछ दुकानदारों ने सर ये भी कहा है कि आने वाले दिनों में हम जम्मू बंद की कार्रवाई कर सकते हैं। देखिए जम्मू बंद जो है मैं ये कहना जरूर चाहूंगा कि चैंबर ने जब भी कभी इस तरह की जरूरत महसूस की है, चैंबर ने जम्मू बंद की कॉल दी है, काफी विरोध के बाद भी हमने जम्मू की बंद की कॉल दी है, लेकिन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो मेरी इसीलिए है कि गवर्नमेंट जो है इस बात को महसूस करे, अगर महसूस नहीं करेंगे और जिस तरह से एक विरोध जो है पूरे जम्मू और जम्मू डिविजन में बढ़ता जा रहा है तो आने वाले दिनों में कोई भी स्टेप जो है वो चैंबर को लेना पड़ेगा। काफी दिनों से लगातार जम्मू में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, कई पॉलिटिकल पार्टी समाज से भी लोग जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन चैंबर की बात करें तो काफी देर से आप सामने आए हैं, क्या आपने पहले सभी लोगों से बात की और उसके बाद आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? बिल्कुल हमारी बात जो है रेगुलर बेस पे होती है, सभी बाजार एसोसिएशन के साथ मीटिंग जो है वो हमारी चलती रहती है। और मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा, अभी की मैंने प्रेस नोट जो है वो ऑलरेडी एक हफ्ता पहले जो है वो प्रेस में नोट दिया हुआ है, शायद आपने पढ़ा हो, और उसके में भी मैंने बिल्कुल इसके विरोध में कहा है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं
ये ना तो जनता की फेवर में है ना गवर्नमेंट की फेवर में है। और आज मैं फिर आपके माध्यम से, क्योंकि प्रेशर जो है, जब हम जो हमारे जो बिजनेस कम्युनिटी है वो परेशान हो तो चैम्बर जो है वो फ्रंट लाइन में खड़े होने के लिए हमेशा खड़ा है। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर कुछ ना कुछ स्टेटमेंट भी देना चाहिए और एक इंक्वायरी भी करनी चाहिए। धन्यवाद।